माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम एवन कोचिंग। तो बेटा हम लोग बात करेंगे अभी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की वन शॉट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। तो आप लोग को मैं ये मांग चलता हूँ कुछ ना कुछ तो बेसिक आता ही है, अगर अभी भी नहीं आता है तो ध्यान से समझो और कुछ ना कुछ आपको आ जरूर से जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता था कि हम लोग क्या बनाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एक तो हम लोग बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं पता वो स्टार्टिंग से जाके प्लेलिस्ट में पढ़े, ठीक है। ये उनके लिए जिन्होंने साल में मुझसे पढ़ा है या फिर पहले कहीं और कुछ पढ़ा हुआ है तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक बनाते हैं हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दो चीज़ हम लोग बनाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे जो कर लो, ठीक है। तो अब 10 मार्क्स में जब मिलेगा आप लोगों को सबसे पहले, तो उसमें आपको बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अगर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की हम लोग बात करें बेटा, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ये है, ये बनता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, अब यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर, फिर यहाँ लिखोगे अमाउंट, फिर यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर और फिर लिखोगे अमाउंट, ठीक है। और इधर एक बनता है, इधर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिख लोगे डेट। डेट के लिए बहुत छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग नॉर्मल जैसे बनाते हो वैसे ही बनाना क्योंकि स्पेस की दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक, मान के चलते हम लोग दो पार्टनर है, तो एक ए है और एक बी है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, ठीक। फिर लिख लो डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लिख लो ए और फिर लिख लो बी। ये पूरा फॉर्मेट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। तो अब देखो जब ये सारी चीज़ें आपको हो गई तो ये आपका मेन फॉर्मेट है। पहले जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आपको फॉर्मेट इस तरह से बना लेना है। कभी कभी होता है क्या है कि आपको खाली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देता है और जनरल एंट्री दे देता है। कभी कभी क्या होता है आपको पास एडजस्टमेंट देगा और फिर आपको कैपिटल अकाउंट पूछ लेगा, तो इस तरह से भी होता है। लेकिन एक क्वेश्चन में आपको P&L अप्रोप्रिएशन जरूर से पूछेगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आपसे दोनों पूछ ले, क्योंकि दो क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो, स्पेशली वीडियो उन्हीं लोग के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, जिन्होंने पढ़ने वाले वो मेरी वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे क्योंकि उनका प्रिपेयर हो चुका होगा, वो रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वही लोग देख रहे होंगे बेटा, मुझे पता है जिनको नहीं आ रहा होगा, तो उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो आप देखो यहाँ पर है डेबिट साइड और यहाँ पर है क्रेडिट साइड, यहाँ पर है डेबिट साइड और यहाँ पर है क्रेडिट साइड। तो पेपर में आप क्या कैसे करोगे पहले समझ लो, अगर नहीं पता तो ये होता क्या। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ये होता है कि दो पार्टनर हैं, मान लो एक का नाम ए है एक का नाम बी है, दोनों का रेशियो 1:1 है, ठीक है। अगर कुछ और होगा तो उसको मान लेना, तो 1:1 यानी कि आधा ए का है आधा बी का है। तो प्रॉफिट जो होता है साल भर में जो प्रॉफिट होता है वो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हो, आप क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट। क्या करोगे, जितना भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले आप यहाँ पे आके लिख दोगे। मान लो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ आपने बेटा, उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब नेट प्रॉफिट आने के बाद दोनों पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, आधा आधा है तो 2.5 लाख ए को मिल जाएगा 2.5 लाख बी को मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ए और बी में ये बोलता है, दो पार्टनर जो है, ए बोलता है हम ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई, हमें अलग से सैलरी चाहिए। बी ने बोला यार मैंने मेहनत करी मुझे कमीशन चाहिए। ए और बी बोलते हैं हमने कैपिटल लगाया बिजनेस में, हमें उस पर इंटरेस्ट चाहिए, कुछ पैसा हमें रिजर्व करके रखना है। तो ऐसी बहुत ढेर सारी कंडीशंस होती हैं बेटा जो हमें करनी पड़ती है। मतलब प्रॉफिट को बांटने से पहले जो पार्टनर को अलग से प्रॉफिट देना है, अलग से सैलरी देनी है, वो सब बांटने के बाद जो प्रॉफिट होता है
वही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर जो लोग मेरी वीडियो पहले देखे हैं या थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा ही नहीं है तो मे बी वो नहीं कर पा रहे हों, तो वो पहले प्लेलिस्ट से थोड़ा सा जाके बेस अपना स्ट्रॉन्ग करें। हालांकि दिन तो इतना बचा नहीं है, बट करो आप। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग कमेंट करें, उनके लिए सेपरेट आएगी कि वो क्या करना चाहते हैं। ये उनके लिए जिनको आता है, रिविजन चाह रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख का, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। क्या होती है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि देखो, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को बटेगा, अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो पार्टनर को बटेगा ही नहीं। बात समझ लो, अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को बटेगा, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मान लो 5 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे 0 रुपए का प्रॉफिट, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कभी बनेगा ही नहीं। माइंड में अपने सेट रखना, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं तो बटेगा कहाँ से, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है, प्रॉफिट हो या ना हो आपको कुछ पैसा, आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे रेंट हो गया, मान लो मैं जहाँ कोचिंग चला रहा हूँ, अब मार्च के महीने में सेशन ओवर हो गया, लेकिन मुझे वहाँ का रेंट देना ही पड़ेगा, मेरा लॉस। अब मान लो कोई मैनेजर है, मैनेजर तो पार्टनर नहीं है ना, मैनेजर मेरा वर्क कर रहा है, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन मैनेजर को सैलरी देनी पड़ेगी, मैनेजर को कमीशन देनी ही पड़ेगी। तो कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देने के बाद, जो देने के बाद पैसा बच, देने के बाद फिर जो होता है वो एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट होता है। मान लो इसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 5 लाख का है, फिर उसमें दे रखा है भाई कि मैनेजर को कमीशन देना है, तो लेस कर दो मैनेजर की कमीशन। एक तो यहाँ से आप लेस कर सकते हो, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, मान लो मैनेजर कमीशन जो है 10,000 रुपीज़ की थी, ठीक। क्या क्या लेस होता है, क्या क्या ऐड होता है देख लो, पहले अपने माइंड में दिमाग में बसा लो। मतलब जितनी भी चार्ज वाली चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे लेस होती है, ठीक है। मैनेजर कमीशन हो गई, रेंट हो गया, सारी की सारी चीज़ें लेस होगी। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड होता है, लेस होता है। अगर मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मैंने लोन फर्म को दिया है, तो फर्म मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो फिर फर्म अगर इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए वो क्या है? लॉस है। तो लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर टू फर्म, फर्म यहाँ पे लिख देना पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था तो उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है। कितना दे रहा है याद रखना, यहाँ पे लोग गलत करते हैं। अगर लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है तो लेस करोगे, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म टू पार्टनर। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे मान लो 10,000 है, ये क्वेश्चन के हिसाब से आप करोगे। अगर लोन पार्टनर ने फर्म को दिया, तो वहां पे पार्टनर ने फर्म को दिया है तो वहां पर क्या होगा? लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को दिया है तो फर्म इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म से लिया है तो फिर पार्टनर को देना पड़ेगा, तो वो पार्टनर फर्म के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ऐड करोगे, बाकी दूसरी कंडीशन में लेस करोगे। इसको याद रखना, यही यहाँ पर ही आदमी फंसता है। यहाँ का काम तो बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक चीज़ होती है लेस, लेस तो नहीं बस इतना ही कुछ होता है। और इतना करने पर जो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 लाख था, ये तो लेस वाले हैं, 10, 5 इतना हो गया 15, और 10, 15 में से 10 गए 5, यानी कि 4,95,000 कितना हो जाएगा बेटा, 4,95,000 आपको यहाँ पर आ जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, सिंपल आप ऐसे ही लिख लेते हो, लेकिन बहुत से जो आपके टिपिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं वो ऐसे ही रहेंगे, और पेपर में इतना सीधा तो नहीं देगा नेट प्रॉफिट इतना है, आप कुछ तक कुछ ताम झाम देगा। अगर चार्ज वाली जितनी भी चीज़ें, चार्ज वाली ऐसे खर्चे जो हमें देने ही देने, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उन सबको लेस करोगे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने दिया है, फर्म ने दिया, उसका ट्रीटमेंट बता दिया, इतना काम कर लोगे तो आपको यहाँ से नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। आप ये सारे काम
पीएनडीएल अकाउंट बना के भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, यहाँ से लेस करके दिखा दो। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इतना करने के बाद आगे क्या करना है, देखो यही मेन काम था, यहाँ आपने सीख लिया। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब डीड में लिखा हो। अगर डीड में नहीं लिखा होगा, डीड साइलेंट होगा, तो कुछ नहीं दिया जाएगा, और डीड में लिखा है तो दे दो भाई। बोला है ए और बी, तो ए की मान लो, ए को अलग से मान लो 5000 और 3000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, कोई बच्चा सोच रहा है बेटा, उसमें दिया रहता है कि ए की कैपिटल 5 लाख रुपए है, बी की कैपिटल 4 लाख रुपए है। तो अगर इन्होंने इतना इतना पैसा लगाया, ए ने 5 लाख लगाया, बी ने 4 लाख रुपए लगाया हुआ है, 10% देना है इंटरेस्ट, तो 5 लाख का 10% जितना आएगा वो यहाँ पर लिख देना 5000। 3 लाख मान लो लगाया, 3 लाख का 10% जितना आएगा वो दे देना 3000। तो दोनों मिला के कितना आएगा 8000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 8000। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं बेटा, सैलरी निकालते हैं। सैलरी कितनी है, मान लो ए की अलग है और बी की अलग है। ए की है मान लो 5000, बी की है मान लो 3000, तो 5 दिन कितना हो गया 8000। सैलरी के बाद मान लो कमीशन भी है, कमीशन है मान लो 4000। फिर आपका है कमीशन खाली मान लो ए की है, बी की है ही नहीं। फिर आपको दिया रहता है बेटा रिजर्व मान लो 10000 का है। इस तरह से आपको करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व, बस। इधर साइड आपको आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, फुल फॉर्म लिख के आएंगे सब लोग, शॉर्ट फॉर्म नहीं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं पता आपको, उसका जो है पूरा फॉर्मूला होता है, उसको आप एक बार बुक से प्लीज़ पढ़ लो। अब बताने चलूँगा तो बिना वजह लंबा हो जाएगा। उसमें से फॉर्मूले देखने हैं कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगा तो क्या होगा, एंड ऑफ द पीरियड होगा तो क्या होगा, क्वार्टर निकाल लो तो क्या होगा, उसको एक बार प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आपका MCQ में भी क्वेश्चन बनेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए में क्या है और बी में क्या है, नहीं पुरानी वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देखो, वहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीख सकते हो। ठीक, ए और बी, ए कितनी है 5000, मेरे 500 है मान लो, और बी की भी जो ड्राइंग है वो मान लो 1000 है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। इधर खाली आपको इंटरेस्ट और ड्राइंग दिखेगा, बाकी ये सारी चीज़ें दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। नेट प्रॉफिट में ही तामझाम होता है, बाकी चीज़ों में आपका और दिक्कत नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हो गई, इस तरह से कर लिया। अब सैलरी हो गई, ये हो गया। सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी को कॉम्प्लिकेटेड करना होगा। सैलरी को कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर देगा वो, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए क्या करेगा, कहेगा 3000 पर मंथ है, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3000 का 12 से मल्टीप्लाई कर देना 36000 हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो बोलेगा 5 लाख रुपये 3 महीने तक थी, फिर जुलाई में उसने और पैसा लगा दिया, तो पहले 3 महीने के लिए 5 लाख का निकालना, फिर बाकी के 9 महीने के लिए जो जोड़ के निकाल देना। तो अब सिंपल काम है, अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है पहला चैप्टर तो आपको दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अभी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो, और थोड़ी ही देर में आधे घंटे के अंदर इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वो करूँगा, उसको देख लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2-3 क्वेश्चन है वो भी करा दूँगा, ताकि आप उसको अच्छे से लगा लो और आपका मन में जो डाउट है खत्म हो जाए। और क्लास 10 का पेपर हो गया है तो 4 दिन आपके बच्चे हैं, मैं 4 दिन अपना पूरा दम लगा दूँगा ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, एटलीस्ट आपका अकाउंट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ तक हो गया। अब यहाँ तक करना क्या आपको, अभी करने के बाद कुछ नहीं, इसको जोड़ लो आप लोग नीचे करना, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ नीचे वाले साइड। ठीक, 4,95,000 था, इन दोनों जोड़ा 1500 हो गया, तो 4,95,000 में अगर हम लोग 1500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, चलो तो कितना हो जाएगा 4,96,500, कितना हो जाएगा 4,96,500। ज़्यादा इधर ही, तो इसको भी यही लिख लो 4,96,500। अब यहाँ पर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। कौन सी कैपिटल अकाउंट में जाएगा भैया, दो पार्टनर जो ए और बी। अब इसमें से इसको माइनस करोगे 10, 14, 8 जितना हो गया 22, 28 30,000 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 86,76,66, तो 4,66,500। ठीक, 4,66,500। तो अब ये बताओ, इसको इसके आधा आधा बांट दो 4,66,500 को उनके रेशियो में, तो कितना है 4,66,500 डिवाइड बाय 2, 2,33,250, 2,33,250, 2,33,250। इस तरह से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग करते हैं, समझ में आई बात। ये बेसिक है, ये यहीं पर दिक्कत होती है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आना वाला हूँ, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए कराऊंगा,
और आप लोग टेंशन मत लेना, थोड़ा सा 10 की वजह से लेट हो गया, बट ये 4 दिन में आप लोगों के लिए मैं जितना बेस्ट दे सकता हूँ आपको दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक, ये सारा काम हो गया। अब इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखो 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ए और बी ने कितना कैपिटल लगाया, ए ने मान लो 5 लाख लगाया, बी ने 4 लाख लगाया। अभी अमाउंट पे ध्यान मत देना, ये समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, अमाउंट कुछ भी कम ज़्यादा हो सकता है, ये कहीं करना कैसे होता है आप ये सीख लो। ठीक है, ए ने इतना लगाया, बी ने इतना लगाया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू था। तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, जितनी इधर खर्चे थे वो इधर इनकम है, जितनी भी चीज़ डेबिट साइड में लिखी है वो कहाँ लिख दोगे आप, क्रेडिट साइड में, रिजर्व को छोड़ के, रिजर्व को छोड़ के जितनी भी डेबिट वाली चीज़ें हैं कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट में लिख दोगे। ठीक, और इधर क्या है, खाली ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सबको नहीं लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को खाली इस साइड लिख दोगे। ठीक, कैसे करा जाता है, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिख लिया, ठीक है सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जब बांटोगे तो महीने के एंड में बांटोगे, साल के एंड में, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5 × 3 = 8, फिर कितना है सैलरी, बाय सैलरी, अब सैलरी कितनी है, 5,000 3,000। ठीक है, सैलरी के बाद क्या है, बाय कमीशन, कमीशन कितनी है, ए की 4,000, बी की नहीं दिया है, जब पी की नहीं दिया तो वहां पे डैश लगा दो। ठीक, उसके बाद क्या बेटा, अब यहां से रिजर्व नहीं लिखा जाता है, ये प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड लिख दो, अगर लॉस हुआ होता, इधर ज्यादा होता इधर कम होता, तो लॉस इस साइड लिख देते। यहां पे लिखो बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 233,250। ठीक है, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब देखो इतना कुछ करने के बाद छोटा कर लेते, हो गया। अब यहां पे करो 31 मार्च टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 501,000, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात, याद आ, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं है। तो अब देखो इतना लिख लिया, मतलब जो सारी चीज़ें थी वो मैंने इधर लिख दी, जो इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था वो इधर लिख दी, सबको जोड़ डालो कितना आ जाएगा, फाइव लाख प्लस 5,000 4,000 747,250 7,40,000। ठीक है, 7,47,250 हो गया। उसके बाद 4,00,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 6,39,250। ठीक है, ये आ गया आपका क्लियर, इसके इस साइड जोड़ लो, ये हो गया क्लियर है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लो 31 मार्च इसमें, इसको माइनस करो कितना हो जाएगा, 7,46,750। ठीक, और इसमें इसको माइनस करो कितना आ जाएगा, 6,39,250 माइनस करो 1,000 कितना आ जाएगा, 6,38,250। समझ में आ रही बात, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका बी का, तो ए और बी का इतना इतना आपका आ गया।
तो इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकलता है। तो ये आपका हो गया, इस तरह से आपको बेसिक स्ट्रक्चर है ये आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, इसको आप लोग देख लो, थोड़ी देर में वीडियो आने वाली, इसको जरूर से देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने वाले वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ, उसको देख लेना। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।